जब ये लैंडर हमारा लैंडिंग शुरू करेगा तो वो लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा, और उस समय पे उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि काफी ज्यादा मानी जाएगी, उस स्पीड से वो नीचे प्रयाण करेगा। तो हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि उस स्पीड को कैसे कम किया जाए, क्योंकि चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण की इफेक्ट भी आएगी, उसके कारण वो और जोर से नीचे की ओर जाएगा, तो अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करें तो क्रैश लैंडिंग की संभावना रहती है। लैंडिंग में कितनी मुश्किलें आ सकती है? अगर 23 को लैंडिंग में समस्या आती है तो क्या 28 दिन बाद फिर कोशिश होती है? 23 अगस्त को वैसे तो जिस तरह से अभी तक ये मिशन का जो कार्यक्रम रहा है उसके मुताबिक तो 23 अगस्त को हम सफलतापूर्वक लैंडिंग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर हम उसके लैंडिंग समय, जैसा कि आपको पता है कि 5:47 शाम को तब से लैंडिंग शुरू होगा और लगभग 17 मिनट लगेंगे, 17 मिनट और 12 सेकंड, 21 सेकंड, तो उस समय उसके 2 घंटे पहले हम सभी जो कमांड्स है वो अपलोड कर देंगे, और जो लैंडर की जो प्रणालियां है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल सब सिस्टम है, उसके टेलीमेट्री सिग्नल का एनालिसिस करके ये निर्णय करेंगे, और वहाँ की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए कि उस दिन का 23 अगस्त का समय जो हमने निश्चित किया है वो योग्य है कि नहीं। अगर हमको कोई प्रणाली में त्रुटि दिखती है, कोई हेल्थ पैरामीटर ठीक नहीं आता है, तो उसको विलंबित कर देंगे और 4 दिन बाद उसके बाद प्रयास करेंगे 27 अगस्त को। तो ये 2 सिनेरियो हमने प्रोग्राम करके रखे हैं हमारे लैंडर के कंप्यूटर में, कि अगर 23 अगस्त को सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, उस दिन हम सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेंगे। अगर 23 अगस्त को नहीं हो पाया किसी कारणवश तो भी चिंता का कोई विषय नहीं है, हमने 27 अगस्त का पूरा प्लानिंग करके रखा हुआ है। खाली उसमें जो खास डिफरेंस ये रहेगा कि 27 अगस्त को हम 30 के बदले 18 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर प्रयाण करेंगे, और उसका जो लैंडिंग साइट हमने जो सिलेक्ट किया है वो थोड़ा पहले जो मेन लैंडिंग साइट है उसके मुकाबले वो थोड़ी कठिन परिस्थिति होगी, बट उसमें कोई चिंता का कोई विषय है नहीं।